हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। गाइस, आज हम बहुत बढ़िया यम्मी यम्मी सी चार रेसिपियाँ लेकर आए हैं, क्योंकि इस समय गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दिक्कत है, गर्मियों की वजह से मन नहीं होता है किचन में खड़े होने का। तो चलिए, आज हम बहुत इजी सी हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मूँग दाल ले ली है हमने, और इस मूँग दाल को हमने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब ग्राइंडर जाल में डाल करके इसको पीस लेंगे। तो लहसुन की कलियाँ डालनी है चार, और अदरक एक इंच का टुकड़ा ले लिया, उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। हरा मिर्च तीखा जैसा आप खाते हो उस हिसाब से बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। पानी थोड़ा सा डाल करके बिल्कुल बारीक पेस्ट पीस लेना है। तो ये देख सकते हैं, बारीक पेस्ट पीस लिया है हमने, अपने बाउल में निकाल देंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं अच्छे से इस तरह से बाउल को हमने कर दिया है। ये देखिए, आप इसमें नमक डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और स्वाद अनुसार देखिए बेकिंग सोडा आप डालना चाहते हैं थोड़ा सा डाल दीजिएगा। बिना बेकिंग सोडा डाले भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला भरकर एक स्पून हींग, 2 से 3 पिंच हींग डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हींग भी डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छी होती है हमारी। और हम इसमें डाल देंगे अब बेकिंग सोडा, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, बढ़िया सा फेट लेना है जिससे कि सारा कुछ मिक्स हो जाए। इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा कलर देने के लिए, अगर आपको हल्दी पाउडर नहीं खाना है तो आप हटा दीजिएगा। और अब हम इसमें देखिए एक आयरन का पैन ले लेंगे हमेशा, जैसे सबके घर में होता है, और ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे। इस तरह से आप मूंग दाल में आप ब्रेड की स्लाइस को इस तरह से लपेट कर रख सकती हैं, और ये हमारा बढ़िया मूंग दाल का हेल्दी नाश्ता बनकर के तैयार हो जाएगा। हल्का सा तेल डाल देंगे। देखिए, पहली बार में आयरन के तवे पर हो सकता है चिपके, हमारे आयरन के तवे पर तो नहीं चिपका था, तो आप आराम से इस तरह से बना सकती हैं, ये देखिए इस तरह से। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे अगर पूड़ी पराठा बनाते हैं, अगर वो तवा है तो वो बहुत बेस्ट होगा, इस चीज़ के लिए बहुत कम ऑयल लगेगा। और इस तरह से देखिए, फिर से हम ऑयल डालेंगे और इसी तरह से ब्रेड को लपेट कर इस पर हम रख देंगे फिर से वही चीज़, ये देखिए। तो ये बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो दाल वगैरह खाने से बहुत दूर रहते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों को दाल कैसे खिलाएं। तो आप इस तरह से क्रंची नाश्ता बनाकर बच्चों को खिला सकती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि ब्रेड अंदर से पकी हुई होती है, सिर्फ दाल को सेकना होता है। तो काफ़ी अच्छा टेस्टी नाश्ता। इसी तरह से देखिए, सारे के सारे नाश्ता हम बना करके तैयार कर लेंगे और फिर हम इसे सेकेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये बहुत हेल्दी नाश्ता है, बच्चे खा करके एकदम हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मूंग दाल सभी डॉक्टर तक बताते हैं कि मूंग दाल को खाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, सबके लिए। ये हल्की दाल होती है और प्रोटीन से भरी हुई होती है। तो देखिए इस तरह से साइड में, जैसे हम टिक्कियाँ सेका करते हैं साइड में रख करके जैसे वो क्रिस्पी होती रहें, तो इसी तरह से हम कर देंगे, अच्छे से सेकते रहेंगे और फिर सेकने के बाद अलग कर लेंगे। ये देख सकते हैं, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बन करके तैयार होता है हमारा ये नाश्ता। तो इसी तरह से सेक लेंगे, ये देखिए इसी तरह से सारे सेक लिए, और ये देखिए इधर के क्रिस्पी होते गए हैं। तो अब इन्हें हम हटा करके रख लेंगे, और आप चाहें जिस चटनी के साथ यम्मी टेस्टी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो हमने हरी चटनी के साथ सर्व किया है, ये देख सकते हैं। ये चटनी भी बनाना बताएंगे आगे चलकर, तो आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए कितना यम्मी, कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है हमारा ये नाश्ता। गर्मियों में बहुत जल्दी नाश्ता बनकर के ये तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट नाश्ता देख लेते हैं, जो कि बहुत हेल्दी है। तो ये इस तरह से ले लेंगे हम सोयाबीन की बरी और मैक्रोनी। देखिए मैक्रोनी बच्चे बहुत ज़्यादा तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करके खाते हैं, खुश होकर खाते हैं। तो देखिए इसमें हमने 2 से 3 गिलास पानी रख लिया, जैसे हम मैक्रोनी बॉयल करते हैं बस उसी तरह से हमने पानी रखा हुआ है, उसमें ऑयल डाला है और मैक्रोनी और सोयाबीन की बरी को डाल दिया है। तो सोयाबीन बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसको इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से सोयाबीन की जो बरियाँ होती हैं उनको अलग निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। और देखिए मैक्रोनी बच्चे तो प्रेम से खा लेते हैं, मगर मैक्रोनी के साथ अगर आप कोई भी सब्जी या कुछ भी मिला कर देते हैं ना, तो बच्चे खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। लेकिन अगर कह दीजिए ऐसे आप सोयाबीन की बरी बच्चे खा लें, तो नहीं खाते हैं। तो चलिए देखिए, वैसे तो आप कुकर में भी एक सीटी लगा करके पका सकते हैं मैक्रोनी, वो गल जाती है, वो अच्छी नहीं लगती बच्चों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रहना चाहिए सॉफ्ट, मतलब पक जाए, बहुत ज़्यादा गले नहीं, ओवर कुक ना हो। तो ये देखिए इसमें ऑयल डाल देंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे
सामान। तो ये देखिए सोयाबीन की बरियां डाल देंगे क्योंकि इनको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिससे कि इनका, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी डाल सकती हैं, मगर फ्राई करने से थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। अब इसमें प्याज डाल देंगे इस तरह से, ये देखिए प्याज को भी साथ में इसके फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसको फ्राई, जब ये सोयाबीन की बरियां जो होती हैं वो फ्राई करती रहती है। अब इसमें हमने सारी सब्जियां भी डाल दी, क्योंकि सब्जियां भी कच्ची हैं हमारी, तो ज़्यादा गलाना नहीं है सब्जियों को, हल्का सा क्रंची रहना चाहिए। नमक डाल देंगे इस तरह से और इसे चलाते हुए, स्टर करते हुए अच्छे से हल्का सा कुक कर लेंगे, ढक कर पकाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा पक जाए, मतलब बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं रहनी चाहिए सब्जियाँ, थोड़ा सा पक जाए। अब इसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, या फिर आप डाल दीजिए मिर्च पाउडर, जिससे हल्का सा तीखा हो जाए बस। देखिए इसमें हमने हल्दी पाउडर का ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो कलर देने के लिए हल्दी पाउडर भी लगा सकती हैं, डाल सकती हैं। देखिए सब्जी इस तरह से हम स्पैचुला से कट करके देख लेंगे, अगर हमारी सब्जी हल्की सी कुक हो जाती है फिर हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव डाल देंगे। देखिए ये फटाफट नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया। अब इसी के साथ हम फ्राई कर लेंगे। एक बात और, इसमें सोया सॉस या चिली सॉस डाल सकती हैं अगर आपके बच्चे खाते हों तो। ये देखिए हमने थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला, और इसमें डाल दिया है हमने मैगी मसाला, दोनों मसाले हमने ऐड कर दिए हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब इन्हें हम इसी तरह से फ्राई करने के बाद बच्चों को दे देंगे, सर्व करेंगे। ये बहुत जल्दी नाश्ता बनता है और बच्चे से प्रेम से खाते हैं, सबसे अच्छी बात ये देखिए। हाँ, इसमें हल्दी हमने नहीं ऐड करी है, आप चाहें तो हल्दी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी है तो हल्दी वगैरह गर्म होती है थोड़ा सा, तो कम मात्रा में यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए जो हमने डाला था मैगी मसाला, उसकी वजह से थोड़ा सा कलर आ गया है सब्जी में हमारी, बहुत टेस्टी। तो चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी हम बनाते हैं। ये हमने ले लिया कुछ सब्जियाँ, चुकंदर वगैरह जो भी सब्जियाँ आप खाते हो। ये ब्रेड ले ली हमने, देखिए 4 से 5 ब्रेड ले ली हैं। अब इसको हम तोड़ देंगे अच्छे से। सब्जियाँ आप इसमें देखिए, सब्जियों को हम नहीं बताएंगे, सब्जियाँ आप जो आपके पास मौसमी सब्जी हो वो आप ले लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम ब्रेड को तोड़ देंगे। अब इसमें हमने बीट रूट कट किया था, यानी चुकंदर कट किया था, इसको हम पानी इसमें डाल देंगे, जिससे क्या होगा हमारी ब्रेड जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, एक डो के रूप में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल हल्का सा यूज़ करना है पानी को इस तरह से, क्योंकि इसमें हम कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तभी हमको ऐड करना है। अगर आप पकी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तब आपको क्या करना होगा, पकी सब्जियों के साथ में आपको ब्रेड में पानी नहीं लगाना होगा, पकी सब्जियों में ही मैश करना होगा ब्रेड को, क्योंकि ब्रेड हमारी सिर्फ सोगी सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पतली। तो इसमें हम देखिए कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा तिल और जीरा ऐड कर देंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, देखिए इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सब्जियां, ये देख सकते हैं अपनी सारी सब्जियां जितनी हमने कट करके रखी हैं वो सारी डाल देंगे। बीट रूट इसलिए डाला है, इसमें कलर बहुत टेस्टी आएगा। तो जो सब्जियां आपको मिल रही हो इस समय वही आप डाल दीजिए, बारीक चॉप करिएगा। ये डाल दिया चिल्ली फ्लेक्स, ये डाल दिया है गरम मसाला, हींग, चाट मसाला, यही सारी मसाले डालने हैं। नमक डाल दिया, इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से चलाते हुए स्टर करेंगे, ये देख सकते हैं। अब इन्हें हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा करना है, ठीक है। इसमें आगे जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो ये देखिए बॉयल्ड किए हुए आलू, ये 4 से 5 बॉयल किए हुए आलू हम डाल देंगे इसमें, और फिर हम मैश कर देंगे। तो आलू की वजह से सारी सब्जियों में बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये देखिए हरा धनिया पत्ता डाल देंगे, अब हम इसे मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं मिक्स कर दिया है, फ्राई भी हो गया है। तो अब ये देख सकते हैं हमारी जो ब्रेड सोगी सी रखी थी वो अच्छे से फूल गई है अच्छे से। तो इसमें जो आलू का मिश्रण बना कर रखा है बस वही डाल देंगे सारा, और आप देख सकती हैं इस तरह से। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं हल्का सा। ठंडा होने के बाद देखिए क्या करना है, तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मैश करेंगे। तो अगर आपके पास आपका गर्म है तो आप इस तरह से चलाते हुए, मतलब इस स्पैचुला से करते हुए गर्म ठंडा कर लें हल्का सा। अब ठंडा हो गया है तो इसमें हम हाथ लगा सकते हैं। तो क्या करना है, अब इसे हम मैश करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बढ़िया से मिक्स हो जाए। आप कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल, क्योंकि आज हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। आप चाहें तो आप शैलो फ्राई भी कर सकती हैं टिक्की की तरह बना करके। तो ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से रोल कर लेंगे, सिलेंडर के आकार का हम दे देंगे, मतलब लंबा लंबा सा दे देंगे, ओवल शेप में इसका शेप दे देंगे। आप चाहें तो राउंड या टिक्की की तरह, अगर आप सैलो फ्राई करना चाहते हैं तो आप टिक्की की तरह बना सकते हैं, हम इसे राउंड बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप मिश्रण क्या करना है नेक्स्ट। वही हमने बाउल ले लिया, उसमें डाल दिया 2 से 3 स्पून बेसन, और इसको हम बिल्कुल बढ़िया एक स्लरी सी तैयार कर लेंगे बेसन की।
ये देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, ये देखिए, और पानी डालकर घोल तैयार कर लेंगे इसका अच्छे से। और करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है, देखिए घोल एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का है, बिल्कुल हल्की सी परत बननी चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए इस तरह से। अब इसमें देखिए हम इसे कोट करेंगे, देखिए अगर आप ऐसे ही फ्राई करते हो उस एक तो ब्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेंगी, दूसरी बात है अगर आप इसी तरह से पकाते हैं तो आपको ब्रेड ज़्यादा लगेगी आलू की अपेक्षा। और अगर आप स्लरी वाला बना के तैयार करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से सेम क्वांटिटी में बना करके तैयार करिए, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी कटलेट बनेंगे ये हमारे, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए ये देख सकते हैं, अगर आप स्लरी नहीं लगाएंगे तो इनके फटने के चांस रहते हैं, टूटने के चांस रहते हैं जल्दी से, तो स्लरी बनाकर जरूर तैयार करें। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे देखिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अलग निकाल कर रख लेंगे इस तरह से, देखिए स्ट्रेनर से, ये देखिए। तो ये हमारी दूसरी की दूसरी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है अच्छे से आलू के कटलेट। आप स्पून से भी इस तरह से डाल सकते हैं अगर आपको ना अच्छा लगे तो। चलिए ये चटनी बता देते हैं। बीच में हमने ले लिया है धनिया पत्ता और टमाटर, एक मिर्च, अदरक का एक इंच अदरक का टुकड़ा, और हम डाल देंगे इसमें नमक और चीनी। ये देखिए हम काला नमक डाल रहे हैं, देखिए इस काले नमक का, काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये सादा नमक डाल देंगे इसमें। और अब हम डालेंगे इसमें चीनी एक स्पून, बहुत नहीं डालनी है एक स्पून, देखिए टमाटर की खटास पर डिपेंड करता है कि आपको चीनी कितनी डालनी है, किसी किसी को खट्टा नहीं ज़्यादा पसंद है चीनी, इसलिए वो कम करते हैं। ये देखिए अब इसमें एक तड़का लगा देंगे, तो ये देखिए हमने रख लिया लैडल अपना, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, ये देख सकते हैं इसको अच्छे से भून लेंगे, ज़ीरा डाल देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे हींग, और बस इसका हम लगा देंगे तड़का, ये देख सकते हैं बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगती है ये चटनी हमारे खाने में, इस तरह से हल्की सी खट्टी मीठी दोनों तरह से टेस्ट आता है। तो ये देखिए बन करके कटलेट हमारे तैयार हो गए हैं, तो आप जैसे पसंद आए वैसे आप खाइए, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी देख लेते हैं, यानी रेसिपी नंबर 3, तो वो क्या है चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए दो आलू से हम बनाएंगे ये रेसिपी, तो ये हमारे कच्चे आलू हैं जिनको हमने छील कर रख लिया है, अब हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, तो मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, ये देख सकते हैं। ये रेसिपी भी हमारी बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है, और सबसे अच्छी बात ये है इस रेसिपी की कि ये रेसिपी हमारी स्टोर होकर के रख सकती है, इसे हम रिस्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए आलू को ग्रेट कर लिया अच्छे से, और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब इसमें ले लेंगे बेसन, कलौंजी, और थोड़ा सा अजवाइन, हींग, गरम मसाला, नमक, चाट मसाला, ये सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं, हरा धनिया पत्ता, देखिए अब हम इसको तैयार करेंगे। ये देखिए इसका 3 गुना पानी डालना है, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है। ये देखिए पहले हल्का हल्का पानी से डालना है, उसके बाद में इसको ज़्यादा पानी डाल दे रहे हैं, क्योंकि एकदम से अगर पानी आप ऐड कर देंगे ना तो ये लंग्स बन जाएंगे इसमें, तो वो सही नहीं होता है, लंग्स फ्री बैटर बनाना है हमें। ये देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है, तो ये देखिए बन गया है। तो चलिए अब हम एक थाली ले लेते हैं, उसको ग्रीस करके रख देते हैं इस तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा अलग सी है, ये देख सकते हैं। अब इसमें ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में हम क्या करते हैं ये देख लीजिएगा, उसके बाद में हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि ग्रीस इसलिए करना ज़रूरी है कि चिपके नहीं हमारा सारा बैटर। ये देख सकते हैं अगर आपका नॉनस्टिक कढ़ाई है तब भी बनाइए, बहुत अच्छे से बनेगा इस तरह से। तो अब ये देख सकते हैं गाइस, अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से बना लेंगे, और इसमें ये आलू के जो कटे हुए मतलब हमने ग्रेट करके आलू रखा था मोटा मोटा सा, उसको भी हम डाल देंगे और इसमें पका लेंगे। और ये बेसन का बैटर है, बहुत जल्दी थिक होने लगता है इस तरह से, देख सकते हैं बहुत जल्दी थिक होगा। और अब हमें क्या करना है ये भी देखिए, इस तरह से हम इसे बढ़िया सा पका लेंगे, देखिए इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए, बढ़िया सा कुक होना चाहिए, जिससे कि कच्चा ना रहे स्वाद। हम ना चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आप पहले भी चिली फ्लेक्स डाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आखिर में जब इच्छा तब डाल दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से देखिए थिक होने लगा है हमारा बैटर, और अब इसे हम जमने की कंसिस्टेंसी तक पका लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए ये हमारा पैन छोड़ने लगा है, मगर हम इसे थोड़ा और पकाना है अच्छे से, जिससे कि कच्चा फ्लेवर इसमें ना रहे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से पकने लगा है, देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हैं, क्योंकि साथ में एक साथ 4 रेसिपी आपको दिखानी है,
तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इस वजह से हम ये दिखा रहे हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा अच्छे से ठीक हो गया है। अब ठंडा भी कर लेंगे, ये देखिए ठंडा हो गया है, हाथ से टच करें तो ठंडा हो गया। अब इसे हम अपनी एक थाली में करते हुए रख देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अपनी थाली को रख देंगे इसमें, ये देखिए। अब इसे क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जमाना है, कुछ भी नहीं करना है। इसे हम जब जमा देंगे ना तो ये अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, आप ठंड गर्म है तो स्पून से, स्पून की सहायता से करके इस तरह से चौकोर शेप दे दीजिए, वरना हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा करके आप हाथ से भी इसका चौकोर शेप दे सकती हैं। ये देखिए इस तरह से हम चौकोर शेप देंगे और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अगर आप चाहती हैं यही स्टोर करना तो आप बस कुछ नहीं करना है, आप इसी तरह से पीसेस को कट कर लें अपने आवश्यकता अनुसार और इसको आप फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में एक एयर टाइट जार में भरकर स्टोर कर सकती हैं लगभग 5 से 6 दिन, क्योंकि इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं पड़ी जो ये ख़राब हो सके। तो देखिए इस तरह से कट जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए हम सेलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकती हैं, मगर हमें सेलो फ्राई करना अच्छा, मतलब कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। इस वजह से इस तरह से आप तवे पर रख के दोनों तरफ अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर सकती हैं। तो ये देख सकते हैं जले, जैसे हमने पहले फ्राई किया था ब्रेड को, बस उसी तरह से इस तरह से सेलो फ्राई कर सकती हैं और आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकती हैं। मगर जैसा कि आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा ऑयल वगैरह का कम इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में ऑयल वगैरह कम खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए गाइस बनकर तैयार है हमारी ये रेसिपी, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये भी तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपकी, हमारी ये छोटी छोटी सी नई सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, जो कि कम समय में बन करके तैयार हो जाएंगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो आप लोग बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो बनाइए टेस्टी, इस गर्मी में बहुत देर तक खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है, बनाइए और इन्जॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।